यार यहाँ से देखिए टॉप का व्यू, और ये देखिए कितनी सारी कैनन्स रखी हैं। रायता, दाल, चावल, पनीर और वो क्या है। चलो चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हमारा जोधपुर में डे 4, और आज हम निकल रहे हैं जोधपुर भ्रमण पे। तो पूरी फैमिली हम जा रहे हैं घूमने के लिए जोधपुर, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आपको दिखाऊंगा क्या खर्चा हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी खुद की गाड़ी से, तो कोई टैक्सी जैसा कोई ओन है नहीं। तो चलो अभी चल रहे गाड़ी की तरफ। अपनी गाड़ी रेडी है, देखिए सब बैठ चुके हैं। मैं ही सबसे लेट लतीफ हूँ यहाँ पे। हमारी गाड़ी रेडी है अभी चलने के लिए, और सब रेडी है यहाँ पे। चलो सब रेडी हो। यहाँ 2 मिनट के लिए अपन आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़ारा काफी सुंदर है, जो कि सिटी दिख रही है पूरी जोधपुर ब्लू सिटी। और यहाँ से हमें दिख रहा है पूरा उम्मेद भवन पैलेस, पूरा उम्मेद भवन पैलेस। और भाई ये रहा मेहरानगढ़ फोर्ट, और इधर आ जाता है जसवंत ठाड़ा, जो ये मूर्ति दिख रही है। तो यार मौसम बड़ा क्लाउडी हो रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है अपने लिए, तो घूमने में ज़्यादा ईजी रहेगा। बाकी सबने लगा लिए सनग्लासेस, ये देखो भाई, और मैं अकेला ही हूँ जो बिना सनग्लासेस के घूम रहा हूँ अभी। हाँ इधर लो राइट में। तो अभी आ गए हम पार्किंग एरिया में मेहरानगढ़ फोर्ट की। ये कहाँ अपोजिट डायरेक्शन में से उतार रहा है। नहीं, पार्क हो चुकी है। 50 रुपीज़ इसका चार्ज है, और भाई बाइक का जो पार्किंग चार्ज है वो है 10 रुपये। और देखिए मेहरानगढ़ के बाहर का नज़ारा। आज संडे है तो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, जैसा कि आपको दूर तक दिख रहे होंगे। देखिए पूरी हमारी गैंग है जो सामने दिख रही है। आज यार लगता है ऊपर वाला भी अपने साथ है। जैसे अपन यहाँ पहुँचे तो बादल आपको दिख ही गया होगा, चारों तरफ हो गए, और हम पहुँच गए मेहरानगढ़ फोर्ट। हाँ चल रही है चेकिंग, और इसके बाद आपको अंदर जाने देते हैं। तो ये भाई सबकी चेकिंग होती है, और खाने पीने का सामान अंदर अलाउड नहीं है। यार ये है कुछ मेहरानगढ़ का टिकट जी। चलो चलो अंदर, हवा मस्त चल रही है भाई इधर से, तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी हवा की। तो विंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा तेज है, और भाई ब्लू सिटी ये दिखने भी लग रही है यहाँ से। धूप छाँव ख़त्म ही नहीं हो रही है यार, अब फिर से वापस धूप आ गई। ये देखे चमगादड़ों का बसेरा। ये कौन सी चिड़िया है भाई? ये देखे भाई, लोग अपने मन्नत का सिक्का चिपका चाहते हैं यहाँ पे। ओहो काफी खूबसूरत नजर आ रहा है यार ये। तो ये है कुछ सूरज पोल गेट, और इधर से इसकी एंट्री। दिखने में तो सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन अंदर जाके बहुत अच्छी लुक एंड फील मिलेगा आपको। ये है बहुत सूरज पोल गेट के अंदर का नजारा। वाह यार शानदार नजारा है, ये देखो भाई दूर से। तो आ गए हैं पालकी घर की तरफ, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पालकी आपको देखने को मिलेगी। इनका डिस्क्रिप्शन भी इनके नीचे दिया हुआ है, तो आपको ऐसा सच कोई गाइड करने की जरूरत नहीं है, गाइड का एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ा महल है यार, जैसा कि देखने को मिल रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे पालकी है, लेकिन लाइट की कंडीशन आज भी वैसी है। खैर अच्छा आ रहा है इस बार। पहले राजा महाराजा के ज़माने के तोरण इस तरीके के होते, जैसा कि आप शादियों में आजकल देखते हो, तो ऐसे छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके टाइम पे इतना बड़ा तोरण होता था। और ये कुछ है इनके विपन्स, तलवार वगैरह। तो ये चारों तरफ तलवार है, और पालकी रखी है बीच में। और ये रेलगाड़ी की प्रतिमा बनाई हुई है यहाँ पे, ये देखो भाई कितने सुंदर है। केनो का तो दिल आ गया इस पे। तो भाई सबकी पूजनीय है गणगौर माता, यहाँ पे बनाई हुई है देखिए, कितना साफ सुथरा लग रहा, नीट एंड क्लीन अंदर से। ऐसे हैं तुम्हारे घर पे? वाह भाई वाह। क्या मारवाड़ के 6 जिले आते हैं इसमें? इसमें पोखरण, मंडोर, जोधपुर, मेरता, नागौर, अजमेर, पाली और जालोर है। ये है भैया मारवाड़ का नक्शा। तो जी यहाँ पे आपको सारी टाइप की पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए चारों तरफ घूम के मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार में। हाँ तो जी ये है कुछ शीश महल इनका।
यहाँ पे भाई इनकी शूटिंग भी हुई है। यहाँ पे कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे लिख रहा है क्या? फूल महल में हुई है, तेरे नाम की शूटिंग, पाकिजा मूवी की भी शूटिंग यहाँ हुई है। ये देखो भाई, जोधा अकबर की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो ये है कुछ इनका फूल महल, काफी सुंदर है यार। ये इसका लास्ट और टॉप फ्लोर जहाँ पे शस्त्र खाना है। तो इधर आपको डिफरेंट डिफरेंट भाई तलवारें देखने को मिल जाएगी और हथियार देखने को मिलेंगे। ये देखो तलवारें तलवारें, इधर बंदूकें हैं, भाले हैं। यहाँ से देखो भाई जोधपुर सिटी का व्यू, जिसके लिए इसको ब्लू सिटी कहा जाता है। यहाँ पे कौन बैठते थे? शाही पंडित बैठा करते थे। यहाँ पे शाही पंडित। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। यह जनानी डोडी, कहने का मतलब लेडीजों का एरिया। तो प्रियंका की यहाँ शॉपिंग चल रही है, अपन चलते बाहर की तरफ। तो प्रियंका ने लिया ये, क्या कहते हैं इसको, कैमल बोन। कैमल बोन तो है, कैमल बोन इयर रिंग्स। ये शंख की शेप में ना? अच्छा, लीफ की शेप में है। ओ माय गॉड, ये लो इनकी मस्ती चलते हुए। आज रात का खाना इसमें बनेगा अपना। ओ भाई, ये कैसे बजाएंगे? शानदार सॉन्ग चला दिया भाई ने। भाई इनका यूट्यूब चैनल भी है, नैनू राम रवन हत्ता, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओ भाई बाज देखो, वहाँ पे कितने सारे बाज घूम रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है, इसका मजा ही कुछ और है। नंगे पांव थोड़ी ना चले जो अच्छा लगेगा। वाओ केनो, स्लीपर्स खोल दो। बाप रे, निकालो निकालो, अब हाथ में उठाओ, चलो उठा लो हाथ में, अब नंगे पांव चलो यहाँ पे, चलो। वेरी गुड, कैसा लग रहा है? ऐसे करके बताओ जैसे करते हो, कैसा लग रहा है? ये चलो जी, पानी पीते हैं। यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ, पहले अपन ने दिखाया था, जैसे ही पानी की सेवा करते हैं प्रतीक जी हमारे। पलटन को लग रही है भूख, अब यहाँ से एक बार माता का मंदिर का दर्शन कर लें और थोड़ा तोप वोप आपको दिखा दें, फिर उसके बाद चलते हैं। यार यहाँ से देखिए टॉप का व्यू, और ये देखिए कितनी सारी कैनन्स रखी है यहाँ पे, ये देखो, और वो है उम्मीद भवन पैलेस पूरा देखिए, और यार मौसम देखिए कितने जल्दी बदल गए। यहाँ बादल आ चुके हैं और काली घटाएं सामने आपको दिखाई दे रही है उधर। तो भाई अपन ने 2.5 घंटे के भीतर पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट घूम लिया है और अभी हम रिटर्न जा रहे हैं, और मौसम देखिए कितना सुहावना हो चुका है। यार कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ये तालाब, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के जस्ट सामने है। देखिए यहाँ पे बाउंड्री भी लगी हुई है, तो पानी आएगा तो यहाँ पे जमा होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा पानी तो दिखाई दे रहा है अभी भी, ये देखिए, और मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका अचानक से, और काली घटाएं आ गई हमारे ऊपर भी। चलो अब निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग स्लिप है वो मेरे पास है, लेकिन वो आगे जा रहे हैं सभी, जाना पड़ेगा उनके पास जल्दी से भाग के। तो अभी अपन चल रहे हैं लंच करने, क्योंकि यार भूख लग रही है। जसवंत ठाड़ा वगैरह अपन नहीं देखेंगे, अगर आपको देखना है तो मेरी वीडियो की मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हमने जसवंत ठाड़ा वगैरह सब घूमे हुए हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हो। Yeah।
यहाँ पे देखिए ये पार्किंग बना रखी है, पेड पार्किंग कचरे के अंदर। ये है भाई प्रिया होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, और इसके सामने जनता वाला भी है तो वो भी काफ़ी फेमस है। फिलहाल हम जा रहे हैं प्रिया वाले में और करते हैं अपना लंच यार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, सुबह का नाश्ता किया हुआ, उसके बाद अब 4 बजे घूमते घुमाते हम आए हैं खाना खाने के लिए। तो जी ये है होटल प्रिया का मेन्यू, और इसमें कुछ रेट लिस्ट इस तरीके से दी गई है, और हमने जो ऑर्डर किया है वो है थाली, जो कि पड़ी है हमें 250 की, तो हमने 3 थाली मंगाई है, और उसमें ये ऑप्शंस चूज़ किए हमने कुछ, तो आएगी जब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट बताया जाता है ये। तो अपनी थाली आ चुकी है, और आइटम्स रायता, दाल, चावल, पनीर, और वो क्या है कढ़ी, और ये पराठा, और 2 रोटी, और पापड़, और अचार। हाँ हाँ, वाह भाई वाह। तो जी अपना 1000 रुपये के अंदर मतलब 5 लोगों का खाना हो चुका है। 3 थाली हमने मंगाई थी 240 रुपये की, और हमने कुछ ऊपर से रोटियां भी ली थी, तो तकरीबन 920 रुपये के आसपास का बिल बना है। तो रुको जरा, सबर करो, खड़ा रहना यार, 5 से निकल जाने थे हमारे को, तो रुक तो जा, समझ ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।